हमारा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ माधुरी शर्मा। और अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने पांचवी लिस्ट जारी कर दी है। काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी पांचवी लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है, और अब बीजेपी ने अपनी पांचवी लिस्ट जारी कर दी है। 111 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। तो बीजेपी की ओर से पांचवी सूची लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की जारी कर दी गई है। 111 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी ने किया है। तो थोड़ी देर पहले पीएम आवास पर मीटिंग जारी थी, कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही पांचवी सूची आ सकती है, और वो पांचवी सूची आखिरकार आ ही गई। 111 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। तो बीजेपी ने अपनी पांचवी सूची जारी कर दी है। 111 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। तो कोर कमेटी की बैठक के बाद यह बड़ा फैसला, कुछ देर पहले पीएम आवास पर बैठक जारी थी और उस बैठक में तमाम बीजेपी के आला नेता मौजूद थे, और उसके बाद ये बड़ा निर्णय, बीजेपी की पांचवी सूची जारी हो चुकी है। तो पांचवी लिस्ट में आपको बता दें कि 111 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। तो 111 लोकसभा सीटों के लिए ये सूची जारी हुई है बीजेपी की, और बीजेपी की ये पांचवी सूची है। इससे पहले बीजेपी अपनी चार सूची जारी कर चुकी है, और लगातार बीजेपी जो लिस्ट है वो जारी कर रही है लोकसभा प्रत्याशियों की। और चले इसी बीच आपको बता दें कि कंगना रनौत इस बार चुनावी मैदान में है। मंडी से टिकट मिला है कंगना रनौत को। तो बड़ी खबर, बीजेपी ने कंगना रनौत को प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। तो वही राजस्थान की बात करें तो झुंझुनू से शुभकरण चौधरी को प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी ने उतारा है। बड़ी खबर इस वक्त की हिमाचल के मंडी से, जहां कंगना रनौत को टिकट मिला है। तो वही राजस्थान की बात करें तो झुंझुनू से शुभकरण चौधरी को टिकट मिला है। तो बीजेपी की पांचवी सूची, और इस पांचवी सूची में 111 प्रत्याशियों के नाम घोषित हो गए हैं। और अजमेर से भागीरथ चौधरी पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। अजमेर से भागीरथ चौधरी को टिकट दिया गया है। तो वही आपको बता दें, गंगानगर से प्रियंका बालन को टिकट दिया गया है। अजमेर से भागीरथ चौधरी, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह। तो वही जयपुर शहर से मंजू शर्मा को टिकट दिया गया है। राजसमंद से महिमा सिंह का नाम सामने आया है। तो बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है, और लगातार बड़े बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल है। पांचवी ये सूची है बीजेपी की। 111 नामों पर सीटों का ऐलान हो चुका है। राजस्थान की बात करें तो झुंझुनू से शुभकरण चौधरी, गंगानगर से प्रियंका बालन, जयपुर शहर से मंजू शर्मा, अजमेर से भागीरथ चौधरी, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह, और वही राजसमंद से महिमा सिंह। चले खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बीजेपी की पांचवी सूची जारी हो चुकी है। 111 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है।